Hello everyone, all of you are most welcome in today's lecture. Today we are going to start part 9 on Pythagoras ka theorem. Prakirana prasagrah ka do ka aasan karne wale hain question number 15, jo ki bahut zabardast prashn hai. To dhyan dijiye aapka question kya hai. चतुर्भुज ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें रेख ए डी लंब है रेख बी डी पर और रेख बी सी लंब है रेख ए सी पर. ये आपके दो चीजें दी, ए डी और बी सी बराबर है 15 दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है 25 और ये रचना की भी है रेख डी एम लंब की क्या हुआ है रेख सी एम लंब की क्या हुआ है ए बी. प्रश्न में कह रहा है कि चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करो. तो यह चतुर्भुज ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, ट्रेपेज़ियम है, तो इसका एरिया निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है. तो एरिया ट्रेपेज़ियम या समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुना ब्रैकेट में समांतर भुजाओं का योगफल गुणे ऊंचाई या लंबांतर. तो ध्यान दीजिए इस प्रश्न में चतुर्भुज ए बी सी डी का लंबांतर या ऊंचाई क्या है, डीएम ले लीजिए या सीएम को ले लीजिए, अर्थात हमें डीएम या सीएम में से कोई एक ज्ञात करना होगा. चलिए हम डीएम ज्ञात कर लेंगे, एक चीज. दूसरी चीज समांतर भुजाएं क्या है, ए बी और सी डी समांतर भुजाएं है. तो समांतर भुजाओं में ए बी तो हमें मालूम है 25, हमें सी डी निकालना होगा तो सी डी निकालेंगे. मतलब अगर इस क्वेश्चन में हमें डीएम मिल जाए और सी डी मिल जाए तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल सकता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेटरल ए बी सी डी हमें मिल सकता है. तो देखिए स्टार्ट करते हैं इसको. सबसे पहले हम क्या कहेंगे, चतुर्भुज ए डी बी में स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. कोण डी इक्वल 90 डिग्री इसलिए पाइथागोरस के अनुसार, पाइथागोरस के अनुसार. तो अगर ए डी बी में डी 90 का कोण है तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण ए बी का वर्ग हाइपोटेनस ए डी स्क्वायर इक्वल ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर. ठीक है भाई, ए बी 25 है, ए डी 15 है, हमें बी डी क्या करना है, घर जगह ये 625 प्लस बी डी स्क्वायर, 625 माइनस 225 इज इक्वल टू जाएगा बी डी स्क्वायर, माइनस करो 400 आएगा प्लस टू बी डी स्क्वायर, वर्गमूल लो स्क्वायर रूट लेने पर बी डी इक्वल जाएगा 20, तो बी डी 20 है. सेम जिस तरह से त्रिभुज ए डी बी में हम गए हैं और आप देख रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर बी डी मिल गया, सेम वैसे त्रिभुज ए सी डी में अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमें ए सी मिलेगा. तो हम देखेंगे इसी प्रकार एसी बराबर भी 20 हो जाएगा, तो हमें बीडी मिल गया 20 और एसी भी हो गया 20, ध्यान देना है. तो ये त्रिभुज एडीबी एक समकोण त्रिभुज है, इसमें आप डीएम निकाल रहे हैं बहुत आसानी से जांच कर सकते हैं मैंने, चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी इक्वल 1/2 बड़े समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल, समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल 1/2 समकोण बनाने वाली भुजा क्या है, ए डी बी में समकोण बनाने वाली भुजा ए डी और बी डी है, तो ए डी गुणे बी डी. तो ए डी कितना है 15, बी डी 20, 2 × 10 = 20, 15 × 1 = 15 वर्ग सेंटीमीटर. तो ये आ गया क्या, त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल निकल गया. भाई हमने त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल निकाला क्यों, इसलिए निकाला क्योंकि ए डी बी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई में होगा, तो बेस इनको हाइट में होगा, तो बेस इनको हाइट के फॉर्म पर लगाएंगे तो डीएम मिल जाएगा. हम कहेंगे परंतु एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी बी इक्वल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस क्या है ए बी है, हाइट क्या है डीएम है और एरिया तो निकाला हुआ 150 है, तो 150 इज इक्वल टू 1/2 ए बी 25 है, डीएम मिल जाएगा. देखिए हम तो 150 इंटू 2/25 हो जाएगा, ये अपॉन में इंटू करेगा इंटू है तो अपॉन में आ जाएगा इज इक्वल टू डीएम.
डीएम कितना आ गया 6 × 12 cm। तो आगे ये डीएम, ये आपका डीएम है। जैसा हमने डीएम इस तरह निकाला है, सेम हम सीएम भी, सीएम भी वैसे निकालेंगे। तो लिख लेंगे इसी प्रकार सीएम भी क्या होगा, सेम 12 cm। सेम सीएम भी क्या आया, जैसे डीएम को निकला है ना, वैसे सीएम भी 12 cm। सारी जो इंफॉर्मेशन ट्रायंगल ए डी बी के अंदर है, वही इंफॉर्मेशन ए सी बी के अंदर भी है। इसीलिए अगर डीएम 12 है तो सीएम भी 12 है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, इसके बाद हमें क्या निकालना है, सी डी। तो इसके लिए सबसे पहले निकालेंगे त्रिभुज ए एम डी में एम निकालेंगे। तो हम क्या कहेंगे, त्रिभुज ए एम डी में सेंटीमीटर है। तो सेम जैसा हमने इसमें पाइथागोरस को लगाकर एम निकाला 9, सेम वैसे इसके बंद देखो, ये भी त्रिभुज सी एंड बी भी क्या है, समकोण त्रिभुज है, ये 15 ये 12 है, पाइथागोरस को लगाने से एम बी भी क्या आएगा 9 आएगा। इसी प्रकार एम बी इक्वल भी क्या होगा 9 cm, तो ये भी 9 आ गया। अब देखिए ए बी में से ए बी पूरा 15 है, उसमें से मैं अगर एम और एन बी निकाल दू तो एन एम मिल जाएगा। तो एन एम मिलने के बाद क्या होगा, ध्यान दीजिए, चतुर्भुज सी एन एम डी ये एक आयत है या समांतर चतुर्भुज, दोनों बात कह सकते हैं। आयत लेंगे तो आयत की सम्मुख भुजाएं समान समूह, एमएन मिल जाएगा तो सीडी भी मिल जाएगा। बस डीएम मिल चुका है, सीडी जैसे मिल जाएगा हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिए यहां पर अगर सब का हो गया तो मैं निकाल रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं लिखूंगा चूंकि ए बी इक्वल्स टू एम प्लस एम एन प्लस एम बी, ए डैश एम डैश एम डैश बी सब कोलिनियर पॉइंट है, एक रेखीय बिंदु है। ए बी 25 है, एम 9 है, एम एन मालूम नहीं है, एम बी 9 है, 9 9 18 प्लस एम एन 25 माइनस 18 इक्वल टू एम एन, इसलिए एम एन इक्वल 25 माइनस 18 जाएगा 7 7 ये अगर 7 cm है तो इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, चूंकि चतुर्भुज सी एम एम डी एक आयत है, समांतर चतुर्भुज भी ले सकते हैं आयत भी ले सकते हैं, इसलिए आयत की समूह बुझाए समान समूह एम एन इक्वल सी दोनों 7 cm है, आयत की समूह बुझाए, आयत की समूह बुझाए। अब भाई हमें चाहिए था क्या, तो भैया सेम मिल गया, ये ऊंचाई मिल गई। अब आसानी से हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो फाइनल आंसर की तरफ जा रहे हैं, हमें एरिया चतुर्भुज ए बी सी डी इज इक्वल्स टू 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल, समांतर भुजाओं का योगफल सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, हाइट क्या इसका है बताओ, ऊंचाई, पूरे ऊंचाई की। तो 1/2 समांतर भुजाएं क्या है, ए बी और सी डी, और ऊंचाई क्या इसकी है, डी एम। 1/2 इंटू ए बी कितना लिखे ढंग से 25 और ये निकाला 7 इंटू डी एम एंड 1/2 इंटू 32 इंटू 12 16 आ जाएगा, 16 का टर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए 16 32 392 वर्ग
सेंटीमीटर या वर्ग का जो भी है आंसर जाएगा एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी सी, ये आपका फाइनल आंसर है। तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था फोर मार्क्स के लिए, ध्यान से करिए और अच्छी तरह समझिए। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, वन ऑफ द मोस्ट लाइकली क्वेश्चन, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सिलेबस में 95 से है और 2021 तक में देखा जाए तो पिछले 26 ईयर से कंटिन्यूसली ये क्वेश्चन सिलेबस के अंदर है और ये फ्रीक्वेंटली कभी भी आते रहता है एग्जाम में। तो ये फोर मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिभुज पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है, बिंदु एस यह रेख क्यू आर पर इस प्रकार है कि क्यू आर पर इस प्रकार है कि क्यू एस 1/3 गुना है किसका, क्यू आर का, 1/3 है क्यू आर का। तो सिद्ध करो कि 9 PS² = 7 PQ² 9 PS² = 7 PQ² ध्यान देना। तो हमने इसमें रचना किया, कंस्ट्रक्शन किया, रेख पी टी भुजा क्यू आर पर इस प्रकार लंब खींचा कि Q' Q' R तक एक ही रेखा पर स्थित बिंदु हो सकता है। ठीक है, तो इसकी उत्पत्ति कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि त्रिभुज PQR अगर एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो उसके तीनों साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो PQ, QR और PR तीनों इक्वल है और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 60 अंश का होता है। अगर मैं इस त्रिभुज PTQ में जाऊं 60 है या 90 है तो ये कितना हो जाएगा, 30 अंश का हो जाएगा। तो त्रिभुज पी क्यू टी या 30-60 नब्बे का त्रिभुज होगा। 30-60-90 का थ्योरम यूज करेंगे तो 60 डिग्री का 60 अंश का समभुजा कौन सा है, पी टी है। 60 अंश की जो 60 डिग्री की अपोजिट साइड है पी टी, तो 60 डिग्री का थ्योरम बनाऊंगा तो आसानी से आ जाएगा, हमें पी टी मिल जाएगा। इसके बाद 30 अंश माप वाले कोण की समभुजा क्यू टी है, उसका थ्योरम लगाऊंगा तो क्यू टी मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम जैसे प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि ये QS इक्वल क्या दिया है, 1/3 Q, तो हम ST भी जानते हैं। तो ST मिल जाने के बाद, PT मिल जाने के बाद हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो हमें ये साध्य मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले कहेंगे क्या, त्रिभुज PQR एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसलिए P2 = QR = PR नंबर वन संभावित त्रिभुज की भुजा है। ठीक है, इसके बाद त्रिभुज PQT में कोण Q 60 अंश का है, कोण P 90 अंश का है, इसलिए कोण P क्या हो जाएगा, कोण T माइनस कोण Q, 90 अंश माइनस 60 अंश, तो कोण P आ गया 30 अंश का। इसलिए त्रिभुज PQT यह 30 अंश - 60 अंश - 90 अंश कोण वाला त्रिभुज है, कोण वाला क्या है, त्रिभुज है। और 30 60 90 के प्रमेय लगाया जाए, 60 अंश माप वाले कोण की समभुजा PT क्या होगा, कर्ण में 3/2 गुणित कर्ण, कर्ण क्या है PQ, तो 60 अंश की समभुजा, 60 अंश की समभुजा, ये आ गया नंबर 1। इसके बाद 30 अंश माप वाले कोण की समभुजा क्यों थी, क्योंकि आपका आधी गुणी होगी कर्ण की, कर्ण क्या है PQ, ठीक है, ये आ गया 30 अंश की समभुजा नंबर 2 करके, 30 अंश की समभुजा। ध्यान से इसके बाद हम क्या बात करेंगे, QS के संदर्भ में दिया हमें क्या है, देखो यहां पे QS, तो हम कहेंगे क्या यहां पर, चूंकि QT इक्वल टू क्या होगा, QS प्लस ST, Q'S'T है। अब QT हमें हाफ PQ के बराबर है, देखो QT के प्लेस पे हाफ PQ रख दिया मैंने, QS के स्थान पर ये देखिए दत्त से 1/3 क्यू आर क्यूएस के स्थान पर, क्यूएस क्या हो गया दत्त में दिया, देखिए 1/3 क्यू आर दिया और प्लस एस, तो हमने देने यहां पर कहां से, कथन 2 और दत्त से, कथन 2 और
तब तक से हमने लिया है, ठीक है। तो 1/2 PQ, 1/3 QR किसके बराबर है? PQ के बराबर है कथन एक से। तो QR के प्लेस पर मैं PQ रखूंगा कथन एक से, ठीक है। अब 1/2 PQ ये इस तरह आके -1/3 PQ हो जाएगा, इज इक्वल टू ST। हमें ST काट करना है, देखिए PT हमें मिला हुआ है, ST काट करना है। मैंने पहले कहा उसको PT और ST मिल जाने के बाद हम इसमें पाइथागोरस को लगाएंगे तो ये हमारा साथ दे बड़ी आसान से मिल रहा है। तो हर सामान्य त्रिक पूरा करो, 3 PQ 2 PQ 2 3 6 = ST। इसलिए ST बराबर क्या होगा, 3 PQ में से 2 PQ किया तो 1/6 PQ हो जाएगा। ये आ गया नंबर थर्ड। तो आपको ST मिल गया और PT मिल चुका है कथन एक, पहले देखिए कथन तीन। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम पाइथागोरस को लगाएंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे रखिए ये साथ याद रखिए, अब मैं थोड़ा सा याद करता हूँ। सो अब हम स्टार्ट करेंगे क्या, त्रिभुज पी टी एस में, त्रिभुज पी टी एस में कोण 90 अंश, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए आसानी से सिद्ध होगा, जब ये 90 से कोण है तो पी एस कर्ण है, तो पी एस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर। अब पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी, देखिए भाई कितना है, √3/2 PQ, और एस टी कितना है लास्ट में डाला है 1/6 PQ स्क्वायर। तो कथन कहां से लिया हमने, पीटी का मान 2 और 4 से, क्या लिखेंगे कथन 2 और 4 से, 2 और 4 से। अब इसे हल किया जाए, ये 3 2 का वर्ग 4 PQ² PQ 1 का वर्ग 3 का वर्ग 36 और 6 का वर्ग 36 PQ². तो भाई यहां पर क्या करेंगे, 3 गुणा कर दो 36 108 PQ² 4 एकम 4 PQ² 36 चौके 144 हो जाएगा, 108 और 4 112 अपॉन 144 PQ² बराबर ये 3 PS² है। अब देखिए ढंग से मैं थोड़ा सा निकाल लूंगा तो ये 7/12 मिल जाएगा। ये देखिए इतना मैं केवल दिखा रहा हूँ, तब पहले आ जाएगा आपका 7/12। ये देखिए अब क्या करेंगे यहाँ पर, ये देखो PS² इज इक्वल टू 16 7 112 12 16 144 सिस्टम के टेबल से घटिए, 67 112 and 69 144 PQ², तो इस टॉपिक से इस साल के लिए जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं इंपॉर्टेंट हमने कर लिया। केवल याद रखिए 2.2 डिलीट हुआ इस साल के लिए है, ईयर 2021 के लिए, तो उससे संबंधित क्वेश्चन नहीं दिए गए। नेक्स्ट ईयर के लिए हम नए वीडियोज अपलोड कर देंगे। तो जितना भी इस साल के सिलेबस में आने वाला है पाइथागोरस टॉपिक से, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 9 तक में मैंने पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। इसके बाद हम लाने वाले हैं आगे से मैथ ज्योमेट्री के 1 मार्क्स के क्वेश्चंस की सीरीज। तो टॉपिक 1 से लेकर टॉपिक 6 तक के सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन की सीरीज के हम अगले वीडियोज बनाएंगे। टिल देन आप अच्छी तरह देखते रहिए, पढ़ते रहिए। आपके एग्जाम थोड़े पोस्टपोन हुए हैं तो आप उसी तरह से एकदम प्रिपेयर करते रहिए। मैं इन दिनों में आपके लिए 1 मार्क्स वाले ढेर सारे क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ जो एग्जाम में 100% आएंगे। तब तक के लिए जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप अपना कमेंट देते रहें और वीडियोस को प्लीज शेयर करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ते रहें, खुश रहें।